हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस चैनल में एडवांस मैथ्स की बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए करवाए हुए हैं, तो जिन लोगों ने भी नहीं देखे वो देख सकते हैं। कम टाइम में आप मैक्सिमम अटैम्प्ट कर पाएंगे। बात कर लेते हैं आज की वीडियो की। जैसा कि फ्रेंड आपको पता है कि ये एसएससी के जो चेयरमैन हैं अशिम खुराना, ठीक है, जिन्होंने काफ़ी कुछ कहा था जब ये आपके सीजीएल के स्कैम हुए थे। उन्होंने कहा था कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से ऐसा हुआ है, हमारे हाथ बिल्कुल साफ़ हैं। तो स्टूडेंट ने बहुत विरोध किया था, उन्हीं की वजह से आज जो ये एग्ज़ाम है इतने आपके डिले हो रहे हैं। कोई भी फैसला जो है वो आपका एग्ज़ाम जो है वो टाइम पे नहीं हो रहे, रिज़ल्ट आपके टाइम पे नहीं आ रहे, तो ये सब कुछ उन्हीं का करा धरा है, ठीक है। एक तरीके से स्टूडेंट ने अलग से डिमांड की थी कि इनका जो एक्सटेंशन वो ना किया जाए और इनको अपने जो पद से हटाया जाए। इनका कार्यकाल जो है पूरा हो चुका है और इनके कार्यकाल में स्टूडेंट ने बहुत कुछ सफ़र किया, उन्होंने अपनी लाइफ जो है ख़राब कर ली इस सीजीएल के एग्ज़ाम्स के चक्कर में, क्योंकि ये टाइम पे होते नहीं हैं, ना ही इनके रिज़ल्ट टाइम पे आते हैं, ना इनकी ज्वाइनिंग टाइम पे आती है। तो इसी वजह से अब ये आपके जो है वो मई तक इनको मैक्सिमम एक्सटेंशन मिल सकता था, ठीक है, और उसके बाद फिर उन्होंने रिटायर होना ही होना था। तो अब यहाँ पे केस को चलता हुआ आपका पूरा एक साल ही हो गया लगभग, और अब जा कर के इन्होंने वैकेंसी निकाली है, यानी कि पूरा एक साल केस में निकालने के बाद वो जो एक्सटेंशन पीरियड था वो आपका उसी में चला गया, ठीक है। यानी कि ये कब के एक साल पहले वो होने चाहिए, आपके रिटायर हो जाने चाहिए थे, लेकिन ये अब वो एक साल का जो इनके पास एक्सटेंशन का जो केस चल रहा था उसी में ये पूरा का पूरा कार्यकाल इनका चला गया। तो यहाँ पे आप जाके ये वैकेंसियाँ निकाल रहे हैं, आप देख सकते हैं फिलिंग अप ऑफ द पोस्ट ऑफ चेयरमैन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन न्यू दिल्ली एडिशनल सेक्रेटरी लेवल इन द लेवल ऑफ लेवल 15 ऑफ द पे मैट्रिक्स, इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने जॉब निकाली हैं, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दिया। तो यहाँ पे बस यही है कि जो आपकी पोस्ट है अब जाके ये निकाल रहे हैं नए चेयरमैन के लिए, ठीक है, जो कि इनको बहुत पहले कर देना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से ना तो इस केस का कोई फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो चीज़ जिस समय पे होनी चाहिए थी केस करने से वो चीज़ तो उस समय पे हुई नहीं। अब स्टूडेंट ने 2017 का आपका प्रोटेस्ट किया था कि उनको इंसाफ मिले, और उनको इंसाफ के बदले क्या मिला है, ठीक है, कि एक साल और ज़्यादा उनका वेस्ट कर दिया। अब फरवरी आ गया है, मतलब पिछले फरवरी आपके एग्ज़ाम हुए थे मेंस के, उसके बाद स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था, पूरा एक साल बीत गया आपका, 17 का कुछ पता नहीं है और 18 का एग्ज़ाम ये कंडक्ट करवा रहे हैं, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो ठीक नहीं है। आपका 17 ही पहले होना चाहिए था, 18 नहीं होना चाहिए था। वेटिंग लिस्ट का इसमें कोई प्रावधान होता नहीं है, जैसे कि आपको पता है, वो सीटें वैकेंट रह जाएंगी, फिर उनको अगले साल भरा जाएगा, अगले साल के रिज़ल्ट पता नहीं कब आएंगे। तो ऐसे में एसएससी जो है वो आपके फ्यूचर के साथ बिल्कुल खेल रही है और खेल चुकी है एक्चुअली में, ठीक है। मैं तो आपको बस यही कहूँगा, ठीक है, कि आप अपनी जो एग्ज़ाम आ रहे हैं बस उसकी तैयारी जो है वो अच्छे से कीजिए, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको सबसे पहले दूंगा। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए, मैं ऑलवेज़ आपके साथ हूँ, जो भी मेरे से हेल्प होगी मैं आप स्टूडेंट्स की करूँगा। धन्यवाद।